आज गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी, जिसके लिए आपको चाहिए ग्रेटेड लौकी, जिसका मैंने जूस पहले से निकाल लिया है। ये जूस आप ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया था, ऑप्शनल है ये टोटली। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे ग्रेटेड लौकी, हरी मिर्च, ये मैंने 2 से 3 ली है, और धनिया पाउडर, बेसन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो फ्रेश घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है अजवाइन, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। आप अपने अंदाज़े के हिसाब से ले सकते हैं। सब चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है रेसिपी, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बेसन ऐड करेंगे, मतलब मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, तो मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर रही हूँ। जितना मुझे लगेगा उतना मैं इसमें डालूँगी। बाद में मैंने पूरा 1 कटोरी इसमें बेसन डाल दिया था। आप जितनी लौकी हो उतना डालिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्ची और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट क्योंकि ये मार्केट वाला है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फ्लेवर होता है, तो मैं आधा चम्मच के अराउंड इसमें मैंने मिक्स किया था। आप चाहें तो फ्रेश, और अगर आपने प्रिपेयर किया है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे सूखे मसाले, जिसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और आधा चम्मच के अराउंड मैंने अजवाइन लिया है, हल्दी पाउडर मैंने लिया है और नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसमें डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया को फाइनली चॉप कर लेना है, अनवॉश करने के बाद इसमें ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर कुछ ऐसा दिखता है, जिसको हमें सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए रखना होगा, ताकि बेसन अच्छे से सेट हो जाए। अब 10 मिनट हो चुके थे, तो बैटर मेरा एकदम सेट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है तेल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहो तो आप रिफाइंड ऑयल या आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मस्टर्ड ऑयल खाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसके बाद आप छोटे छोटे बना के कोफ्ते डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसे गोल गोल डिज़ाइन, मतलब गोल गोल शेप में भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ पकौड़े के तरीके से डाला है। और फ्लेम को ना मीडियम हाई पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप रखेंगे तो वो जल जाएगा। और धीरे धीरे आपको पकौड़े पका लेने हैं, जो अंदर से पक जाएंगे। तो ये देखिए पकौड़े मैंने एक बार निकाल लिए हैं, ऐसे करके मैं जो बचे हैं वो भी निकाल लूँगी। अब यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर लिए जो कि बड़े हैं, छोटे आप 3 ले सकते हैं, 1 प्याज ली है और लहसुन लिया है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मिर्ची ली हैं, और इनको आप चाहें तो ना डालें, वरना अगर डाल रहे हैं तो चॉपर में इसको चॉप करके डालेंगे। और इन दोनों को, टमाटर और मिर्ची को, मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था, और ये देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, और प्याज और लहसुन को क्रश कर लिया है, मतलब चॉपर में चॉप कर लिया है फाइनली। अब यहाँ पे तेल मेरा हो गया था गरम, मैंने वही तेल लिया है जो मैं पहले यूज़ करी थी। इसमें डाल देंगे जीरा, और फिर डाल देंगे हींग। हींग यहाँ पे 1 पिंच डाल ली है, मेरे को अंदाज़ा है तो मैंने अपने अंदाजे से डाल दिया। उसके बाद डाल देंगे अदरक का पेस्ट, ये मैंने क्रश कर रहा था अदरक को, वो डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा भूनने के बाद डाल देंगे प्याज और लहसुन का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज जब कुछ ऐसा दिखने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की जो हमने प्योरी बना रखी है। इसको अच्छे से हम लोग को स्टिर फ्राई करते रहना है, चलाते रहना है, वरना मसाला लग जाता है। और मैं यहाँ पे सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ग्रेवी मतलब जब एडजस्ट करूँगी तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कितना लगेगा, तो इस वजह से मैंने अभी यहाँ पे नहीं डाला। अगर आपको अंदाज़ा है तो इसी हिसाब से यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, धनिया पाउडर। इसको अब अच्छे से आपको पकाना है जब तक कि मसाले से तेल ना निकल जाए। अब मैंने इस स्टेज पे थोड़ा सा आंच को बढ़ा दिया है और इसको चलाते हुए अच्छे से पका लिया है।
ये देखिए मसाला, जब ऐसे तेल छोड़ेगा ना तभी मसाले में टेस्ट आएगा, तो मसाले को अच्छे से पकाना है जब तक कि मसाला टेस्ट मतलब तेल ना छोड़ दे। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करना है ग्रेवी में, और ऐड करना है कसूरी मेथी, ये मैंने क्रश कर ली थी, उसके बाद ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब 3-4 मिनट हो गए थे और ये देखिए मसाला से मतलब तेल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और इस स्टेज पे जब और अच्छे से तेल छूट जाएगा आपको समझ आएगा आपको इसमें पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे अराउंड 2.5 ग्लास पानी डाला था, मतलब 2 ग्लास और आधा ग्लास, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी ना वो आपको पानी जैसे रखनी है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, मतलब आप सोचिए कि ज़्यादा पानी हो रहा है नहीं, क्योंकि जब आप पकौड़े डालेंगे और इसमें बेसन भी पड़ा हुआ है तो ग्रेवी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इस स्टेज में आपको ग्रेवी थोड़ा पतली रखनी है और इसको ढक करके पकाना है कम से कम 5-6 मिनट तक। अभी यहाँ पे मैं ना इसमें नमक ऐड कर दूँगी क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि इतनी ग्रेवी है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। यहाँ पे मैंने हरी धनिया भी डाल दी है, आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैं इसको ढक करके कम से कम 5-6 मिनट तक पकाऊंगी जब तक कि ग्रेवी में एक उबाल ना आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी में उबाल आ गया था, इस स्टेज पे मैं इसमें अपने कोफ्ते जो फ्राई हैं वो डाल दूंगी। इस स्टेज पे ये देखिए ग्रेवी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो तैयार है आपके लौकी के कोफ्ते, आपको कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताना, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।